بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد एक और बलंतर सलावात पढ़ें मुसलमानान हुसैनी और बरादरान इंसानी, इस मर्तबा इस मिंबर पर हमारा मौजू गुफ्तगु है क़ुरान और हुसैन। आप हजरात के अजहान आलिया में ये उन्वान अब रोशन हो चुका होगा और रासिख भी हो चुका होगा, और इस उन्वान पर गुफ्तगु के लिए क़ुरान मजीद से जिस एक मुस्तकिल सरनामे का इंतखाब हुआ है वो सूरह मुबारक हशर की आयत है, जिसमें इरशाद हुआ है कि लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन, अगर हम इस क़ुरान को किसी अजीम पहाड़ पर नाजिल करते लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह, तो तुम देखते कि वो पहाड़ लरस जाता और खौफ व खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। खौफ व खशियत इलाही से वतिल्कल अम्थाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसालें हम लोगों के लिए इसलिए पेश करते हैं ताकि वो फ़िक्र करें। अब एक फ़िक्री मसला आपके सामने यही है कि देखिए, ख़ुद जो हम और आप गुफ्तगू करते हैं, ये जो हमें हरूफ व अस्वात की दौलत नसीब है, ये ज़बान, ये लैंग्वेज हम बोलते हैं और आप समझ जाते हैं, ये क्या करिश्मा है? ये कोई मामूली करिश्मा है? हमारे जहन में कोई बात है, हमारे दिल में कोई बात है और हमने यहाँ होंठ हिलाया, कोई आवाज़ पैदा हुई और आप समझ गए कि दिल में क्या है? और हमारे आप ये मौज हवा की लर्जिशों के साथ, ये वेवलेंथ्स के साथ क्या चीज़ पहुँची आप तक? फिक्र पहुँची, वो बात पहुँची जो दिल में है पोशीदा,
वो जज्बा पहुंचा, वो एहसास पहुंचा, वो इदराक पहुंचा, वो शऊर पहुंचा, वो नज़रिया, वो आर्गुमेंट, वो इस्तिदलाल, वो हकायक जो हमारे दिल में है, वो माहियत जो हमारे जहन में है, वो इन अल्फाज के ज़रिए आप तक मुंतकिल हो गई। खुद ये एक ऐसा मज़हर है, एक ऐसा फिनोमिनन है कि इस पर हैरत होती है। लेकिन चूंकि हम आदि हैं, ये चीज़ हमें हासिल है, इसलिए हम इसे मौजज़ा नहीं समझते। चूंकि हम आदि हैं इसलिए हम मौजज़ा नहीं समझते। अगर आदि न होते और फिर ऐसा अचानक हमारे सामने होता तो वही चीज़ मौजज़ा कहलाती। और हमारे आप उमूमन पत्थर से इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। उमूमन एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है तो भी कुछ आवाज़ तो पैदा होती है, लेकिन वो आवाज़ हम नहीं समझ पाते। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पत्थर दोनों एक दूसरे की आवाज़ नहीं समझ पाते? कोई दलील है हमारे पास? पत्थर नहीं, हैवानों पे आ जाइए। परिंदे चहचहाते हैं, एक परिंदा दूसरे परिंदे की आवाज़ समझता है या नहीं समझता है? हम नहीं समझ पाते। अलबत्ता अगर उसमें भी जो लोग ज़ाहिर साइंस के मैदान में और हैवानियात में और इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, वो जानते हैं, वो आवाज़ समझ जाते हैं, वो बात समझते हैं, परिंदों की भी, दरिंदों की भी। और हमारे आप तो एक बड़ा मसला खुद ये जौहर सुखन का है। सुखन ये बात खुद एक मुअज्जज़ा इलाही है। बस इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ, वरना खुद इसी मौजू पे अगर गुफ्तगू होती रहे तो क्या क्या थ्योरियाँ पेश की गई हैं, क्या क्या नज़रिए पेश किए गए हैं ज़बान की तख्लीक के बारे में और नज़रिए वज़ में, इल्मुल वज़ में, वो एक अलग बहस है। लेकिन हवाले के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि जहन करीब आ जाए। तो असलन ख़ुद ये बात है तो मुअज्जज़ा कि मेरे जहन में, मेरे दिल में जो मेरे एहसासात हैं, जो मेरे इदराकात हैं, जो मेरे मुदरकात हैं, जो मेरे शुऊर में बात है, हत्ता कि जो मेरे तहत शुऊर में बात है, जो मेरे ला शुऊर में बात है, वो बात मेरे होठों से निकलने वाले अल्फाज के ज़रिए आपके जहन तक मुंतकिल हो जाए। एक तो ये सताए कि मेरी बात आप तक मुंतकिल हो, ये बजाय खुद मुअज्जज़ा है। वो कितना बड़ा मुअज्जज़ा होगा कि हमारी बात आप तक नहीं मुंतकिल हो रही है, खुदा की बात बंदों तक मुंतकिल हो रही है। कुरान उन अल्फाज का मजमुआ है जिन अल्फाज के ज़रिए से खुदा की बात मखलूक़ात तक मुंतकिल हो रही है। देखिए ये शुऊर ज़बान और ज़ौक़ सुखन बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। और इस एतबार से मैं जो मेंबर से अक्सर यानी एक अरसे से अपील किया करता हूँ, दरख्वास्त किया करता हूँ, आप जो भी कह लें इसे, तवज्जो दिलाया करता हूँ माँ बाप को कि अपने बच्चों की तरबियत में बहुत मेहनत करें ज़बान संवारने पर। ज़बान का शुऊर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि टूटी फूटी सड़क पे लुढ़कती हुई जो भी ज़बान आ गई आ गई। स्ट्रीट लैंग्वेज से बचें, स्लैंग से बचें, ज़बान का सही शुऊर पैदा करें और अदबी ज़ौक़ पैदा करें, लिटरेरी टेस्ट पैदा करें। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया है कि अल मर्उ मखबूउन तहत लिसाने,
المرء يعني إنسان، الإنسان الرجل المرء، وہ اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹے سے فقرے میں کیا بات کہی مولا نے. کل میں نے کہا تھا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، اہل ذوق انسان کا چہرہ اس کے سخن میں دیکھتے ہیں. کوئی کہیں بیٹھا ہوا فون سے بات کر رہا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کی پوری شخصیت آواز سن کے، لہجہ سن کے، ٹون سن کے. میں بالکل تجزیہ کر لیتا ہوں کہ یہ شخص ہے کتنا، کتنا گہرا ہے، کتنے پانی میں ہے، کتنا بلند ہے، کتنی اونچائی ہے اس کی فکر میں، کیا جذبات ہیں، رحم دل ہے کہ سخت دل ہے، امین ہے کہ خائن ہے، اعتماد کے قابل ہے یا اعتماد کے قابل نہیں ہے. ایک بار فون کر لیجئے ہمیں، ہم آپ کی پوری شخصیت بتا دیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب ایسا بھی نہ کیجئے گا کہ فون کرنا بند کر دیجئے. انسان دوست ہے یا دشمن، مخلص ہے یا مغرض، اس کا ذہن اور دل شفاف آئینے کی طرح ہے یا اس میں کدورت ہے، دھندلا آئینہ ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے ذہن. اذن صفائے خاطر رکھتا ہے یا غبار خاطر؟ آواز، ٹھیک ہے نا، آواز. تو کوئی خط لکھ دے اس کی ہینڈ رائٹنگ سے. اب آج کل تو بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، شخصیت چھپا لیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہے ٹائپ رائٹر پہ لکھا بھیج دیا، ای میل میں لکھا بھیج دیا، کمپیوٹر. اگر اپنے ہاتھ سے لکھ دیں آپ تحریر، تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ کی اندر کی شخصیت بتا دیتی ہے کہ جناب کی صلاحیتیں کیا ہیں، استعداد کیا ہیں، شخصیت کیا ہے. دیکھیے نا، یہ سخن کے سب رخ ہیں، لہجہ، آواز، تحریر، پھر الفاظ کا انتخاب. اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ زبان اور فلسفہ زبان اور ادب و آداب اور شعر و نظم و نثر و خطابت اصناف سخن سے بحث نہیں کرتے، ان کے لیے نامانوس بحث ہوگی، مشکل بحث ہوگی، لیکن فوری طور پر آپ کا ذہن اس بات کو قبول ضرور کر رہا ہوگا. تو ذوق ادبی، شعور زبان، اسے بالیدہ کریں، اور بچوں کو جو آپ کے آغوش میں پروان چڑھنے والی نسلیں ہیں، انہیں شعور زبان، لطف سے، محبت سے شعور زبان کو پروان چڑھائیں. جتنا شعور زبان اور ذوق ادب پروان چڑھے گا، ایک تو جنرل یعنی عمومی ذوق شعور زبان اور ذوق ادب ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ ہے عربی زبان کا ذوق. جنہیں عربی زبان کا ذوق ہو کامل، ان کے لیے یہ مرحلہ آتا ہے کہ سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. یوں میں اردو زبان میں لاکھ بحث کرتا رہا ہوں، آپ اعتقادی طور پہ قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، قرآن معجزہ ہے، حضور نے کہا قرآن معجزہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے. 12 اماموں نے کہا قرآن معجزہ ہے، 11 اماموں کی ماں صدف گوہر عصمت، معدن جوہر امامت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. فرمایا قرآن معجزہ ہے، نبی نے کہا، امام نے کہا، معصومہ نے کہا، صدیقہ کبرا نے کہا، قرآن معجزہ ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں اعلان کیا قرآن معجزہ ہے. تو اس میں تو کسی ایک مسلمان کے لیے تو شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی اسے معجزہ تسلیم کیا. اب ذرا ادبی حوالے سے دو ایک باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو عرض کر لوں.
एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अरबों का ज़ौक़ सुखन वाक़ई बहुत बालीदा था, ये सिर्फ कहने की रस्मी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस ग्लोब पर कोई मिल्लत कोई कौम असील अरबों के शऊर ज़बान और ज़ौक़ सुखन तक नहीं पहुंच सकती आसानी से। और वो इस नेमत को समझते थे कि क्या नेमत है। शैतान ने गुमराह कर दिया था, बुतपरस्त ज़रूर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ ज़ौक़ सुखन बहुत बालीदा था। चुनांचे आपको कुछ वाक़ियात अर्ज़ करूँ कि सुखन की कदरदानी कैसे करते थे वो। बाजार उकाज़ में सालाना इज्तिमा होता था, मेला लगता था, हर कबीले का बड़े से बड़ा शायर वहाँ आता था और अपने कसीदे पढ़ता था और बड़े बड़े नक्कादान सुखन वहाँ आते थे। तो एक से ज़ायद वाक़ियात में है, नाबिगा जैसा शायर जिसका नाम ही नाबिगा था, जिसे आप कहिए नाम भी नाबिगा था, तखल्लुस भी नाबिगा था और ता भी नाबिगा उलूम अदब में, एक शायर ने कसीदा पढ़ा और जैसे ही उसका कसीदा तमाम हुआ वो खड़ा हुआ पूरे कद से और उसके बाद पेशानी ज़मीन पर रख दी, सजदा किया, सब हैरत से देख रहे हैं ये क्या है। क्या तुम नहीं जानते ये कितना अजीम कसीदा इसने तख्लीक किया है, इसकी दाद में लफ्ज़ों से नहीं दे सकता, सजदा करके दे रहा हूँ। यह शऊर, यह शऊर किसका? अरबों का। अरबी का एक बहुत मशहूर ये ज़ौक़, ये अंदाज दाद देने का और सुखन की कदरदानी का क़ब्ल इस्लाम भी था, बाद इस्लाम भी रहा। इस्लाम ज़ुहूर इस्लाम के बाद, यानी इस्लाम की रोशनी फैल चुकी है, उसके बावजूद अबू तमाम बहुत बड़ा शायर है, अबू तमाम ने अपना एक कसीदा छोटा सा पढ़ा कि एक फ़कीह और नक्काद सुखन के सामने। फ़कीह था बहरहाल, लेकिन नक्काद सुखन था, कदरदान था शेर व अदब का। पढ़ते पढ़ते अबू तमाम जब एक ख़ास मंजिल पे पहुंचा तो ये शख्स बैठा हुआ था, अबू तमाम भी बैठा हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, ये खड़ा हो गया क़याम की हालत। आप नमाज में क़याम करते हैं ना, ये क़याम उबूदियत कहलाता है, ये क़याम बंदगी कहलाता है। वो क़याम अलग है जो खीरा सरी बन जाए, वो क़याम अलग है जो सरकशी की अलामत बन जाए, ये क़याम हक सुबहानहु व तआला के सामने बंदगी का क़याम है ना, खुदू खुशू बंदगी का क़याम। वो फ़कीह उस वक्त खड़ा हो गया, अबू तमाम ने घबरा के देखा, कहा तुम पढ़ते रहो, मैं इसके अलावा कोई दाद नहीं दे सकता, अब तुम पूरा कलाम पढ़ो, मैं खड़े होकर सुनूंगा, मैं क़याम की हालत में तुम्हारा कलाम सुनूंगा। ये सब तारीख़ अदब अरबी में मौजूद है। क़याम देखा आपने, वो भी एक फ़कीह और नक्काद का। अब बस एक और मिसाल दे दूँ कि फ़रज़दक कितना बड़ा शायर है अरबी का। फ़रज़दक गैर मामूली शायर, बहुत बड़ा शायर है और दौरे इस्लामी का शायर है। और मैं तो कहता हूँ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किशान में जो उसने कसीदा कहा है वो भी हरम इलाही में, तो मैं कहूँगा उस कसीदे के तुफैल में लोग होंगे दूसरी जगहों के मलिक शुआरा, कोई शाहजहाँ के दरबार का मलिक शुआरा होगा, कोई दिल्ली के दरबार का मलिक शुआरा होगा, कोई ईरान के दरबार का मलिक शुआरा होगा, कोई इंग्लैंड का मलिक शुआरा होगा, कोई अरबिस्तान का मालिक शुआरा होगा, मेरे लिए तो फ़रज़दक हरम इलाही का मलिक शुआरा है। अपने उस कसीदे के तुफ़ैल में जो उसने सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्नुल हुसैन की शान में कहा है। था ये दौरे अमवी का शायर और इसने और बहुत से बादशाहों की भी मदह की है,
लेकिन वो मदहें अलग हैं, वो मदहें अलग होती हैं जो दरबार दारी के लिए और सियासत मदारी के लिए और पैसों के लिए की जाती है। ये शायरी अलग होती है जिसमें एक सरफरोशी होती है और जिसमें नकद दुनिया नहीं नकद आखिरत कमाता है शायर, जहाँ जन्नत कमाई जाती है। तो वो मीमिया कसीदा जिसकी जिसका काफिया मीम है, हरफ मीम, उसकी वजह से पूरे अरबी अदब में एक ख़ास इम्तियाज़ रखता है फरजदक। शायर था, ज़बान अरबी उसकी मुट्ठी में थी। बहुत से नक्कादान सुखन कहते हैं कि असलन अरबी ज़बान के अल्फाज का बहुत बड़ा ज़खीरा ज़ाया हो जाता अगर हमारे पास फरजदक का कलाम ना होता। अच्छा, जो शुआरा इस पाए के हों कि वो ख़ुद एक अलम की हैसियत रखते हों, वो दूसरे शुआरा को कहाँ खातिर में लाते हैं, किसी को दाद कहाँ देते हैं। ये फरजदक, इसके सामने एक मरतबा कसीदा पढ़ा जा रहा था अबू अकील लबीद इब्ने रबीआ का, मुअल्लका, वही मुअल्लका जो खाने काबा पे कहा जाता है कि आवेज़ा किया गया था खाने काबा की दीवारों पर। उसमें जो राविया था यानी जो शेर पढ़ने वाला था वो इस शेर पे पहुंचा कि वजलस सुयूल अनिततुलूल कअन्नहा ज़ुबुरुन तुजिद्दु मुतूनहा अक़लामुहा। फरजदक उठा, खड़ा हुआ और सजदे में गया। फरजदक, लोगों ने कहा कि ये क्या, कहा तुम कुरान के सजदों से वाकिफ हो, मैं शायरी के सजदों से वाकिफ हूं। देखिए मैं बता रहा हूं कि ज़ौक़े शायरी, ज़ौक़े सुखन, ज़ौक़े सुखन, जो कौम सुखन की इतनी कदरदान हो, पूरी की पूरी कौम बिला इस्तिस्ना कुरान मजीद के सामने अपने पूरे वजूद के साथ सजदरेज होकर इसके एजाज का कलमा पढ़ रही थी, कल भी पढ़ रही है, आज भी और कयामत तक पढ़ती रहेगी। ये कुरान, कुरान मौजज़ा सुखन भी है, मौजज़ा फसाहत भी है, मौजज़ा बलागत भी है, और कुरान के मौजज़ा होने की और हैसियतें और शानें बहुत हैं। ये एक अलग बहस है। बहुत से उलमा सिर्फ ये बहस करते हैं कि कुरान मजीद मौजज़ा फसाहत और बलागत है। वो इसरार करते हैं कि राज कुरान के एजाज़ का राज इसकी फसाहत और बलागत में पोशीदा है। लेकिन ये फ़कीर अर्ज़ करता है कि सिर्फ फसाहत बलागत में पोशीदा नहीं है कुरान मजीद के एजाज का राज, वो मज़मून जो इन अल्फाज में है, वो मानी जो इन अल्फाज में है, वो मकासद जो मकासद कुरान हैं, वो अहदाफ जो अहदाफ कुरानिया हैं, ये सब और उसमें तह दर तह जो उलूम हैं, जो मारिफ हैं, जो मतालिब हैं, जो मानी है, जो जहान सुखन उसमें पोशीदा है। एजाज का राज तो वहाँ है, एजाज का राज वहाँ है। और यही सबब है कि ये कौम जो एक एक बैत पर सजदा करती थी, कसीदों को सजदा करती थी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सात कसीदे सबा मुअल्लकात खाने काबा में आवेज़ा थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बलंदर सलावात भेजे मोहम्मद, एक कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर, कहा कि जाकर यह सूरा खाने काबा की दीवार पे आवेजा कर दो। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, अब ना मुनाजिरा हुआ ना मुबाहला, एजाज कुरानी था कि जो शायर जिंदा था वो खुद आया, जो जिंदा नहीं था उसके कबीले वाले आए और अपना अपना कसीदा उतार के लेके चले गए कि इस कलाम खुदा के आगे तो हमारे कलाम की कोई हकीकत ही नहीं। यानी तमाम जाहो जलाले जबानो शेरो अदब अरबी एक तरफ,
और कुरान मजीद का जलाल और जमाल एक तरफ, और इसीलिए कुरान मजीद में एक सजदे नहीं है, दो एक सजदा नहीं है, दो सजदे नहीं है, तीन सजदे नहीं है, पूरे कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि ये 14 ही सजदे क्यों हैं। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, बाद रिवायतों के बिना पे 15 सजदे हैं और बाद रिवायतों के बिना पे 14 सजदे हैं, 4 उनमें से वाजिब सजदे हैं और 10 या 11 मुस्तहब सजदे हैं, लेकिन 14 सजदे हैं। और सुना रहे आप कुरान मजीद पर अरबी जबान के लोग एतराज नहीं कर सकते, चे जाए कि वो लोग पैदा हो जाएं कि जिन्होंने अरबी, तो क्या जो एक सत्र, मैं तो चैलेंज करता हूं आजकल जो हंगामा बरपा है ना हिंदुस्तान में, भारत में जो आजकल हंगामा बरपा है कुरान मजीद के ताल्लुक से, ये वो लोग बरपा किए हुए हैं जो खुद से अगर कलम दे दीजिए तो कलम पकड़ने की तमीज़ नहीं है, और हिंदी और उर्दू दोनों का चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई दूसरा उस्ताद डिक्टेट ना करे तो शायद एक सतर ना सही हिंदी लिख सकते हैं ना सही उर्दू लिख सकते हैं। एतराज कर रहे हैं कुरान मजीद पर, ऐसे ही लोगों को बदगुहर कहा जाता है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद, एक और सलावात पढ़ दें मोहम्मद, ये कुरान वो है जिसके मुताल्लिक खुद कुरान मजीद ने कहा एक से नहीं, एक नहीं एक से जायद मकामात पर, तहद्दी की जो आयतें हैं, तहद्दी की आयतें यानी चैलेंज की, जहां इंसानों को झंझोड़ा गया है, तीन किस्म की आयतें हैं। कहीं तो ये कहा गया कि पूरे कुरान से मुताल्लिक है, ले आओ इस कुरान का जवाब ले आओ, कहीं कहा गया कि पूरे कुरान का नहीं ला सकते, 10 सूरों का ले आओ। कुरान मजीद में कुल कितने सूरे हैं? 114 का, 114 सूरों का नहीं ला सकते जवाब, 10 ही सूरों का ले आओ। फिर कहा गया 10 सूरों का नहीं ला सकते, एक ही सूरे का ले आओ। और माने, और वो भी इस तरह नहीं कि तुम ले आओ और किसी बड़े पढ़े लिखे से और किसी बड़े शायर से, बड़े का जिन्नो इंस सब मिलकर इसका जवाब लाना चाहें तब भी नहीं ला सकते। और वमा कान हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, वमा कान हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين। अरे मुमकिन नहीं है कि ये कुरान खुदा के अलावा कोई और ला सके, पेश कर सके, कलाम हक है, कलाम खुदा है। وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, अल्लाह के अलावा कोई और ऐसा कुरान गढ़ के ले आए मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। बल्कि ये कुरान वो है कि जो कुछ इसके दरमियान है वो खुद उसकी तस्दीक करता है। देखिए यहाँ पे एक फिक्री मेयार है, एक मंतकी मेयार है, यहाँ से कुरान से मंतक सीखने की ज़रूरत है। किसी भी कलाम के सही और गलत होने का एक मेयार यह है कि उस कलाम के अंदर खुद तनाकुज ना हो, वो कलाम खुद अपने आप को ना झुटला दे। और हमारे आप बहुत बड़ा मेयार है ये तनाकुज का ना होना। और फिर मुफसरीन जानते हैं कि इस आयत में क्या है कि ये सिर्फ कुरान मजीद के मतन में दो दफनियों के दरमियान जितनी आयतें हैं एक दूसरे के दरमियान कोई तनाकुज नहीं है, कोई तजाद नहीं है, बल्कि तौरात और इंजील वो तौरात जो हक सुबहानहु व तआला की तरफ से नाजिल हुई थी, तहरीफ शुदा नहीं, वो इंजील जो हक सुबहानहु व तआला की तरफ से नाजिल हुई थी, वो ज़बूर जो हक सुबहानहु व तआला की तरफ से नाजिल हुई थी, वो तमाम सुहुफ़ अंबिया जो हक सुबहानहु व तआला की तरफ से नाजिल हुए थे,
किसी में एक दूसरे से कोई तनाकुज़ और तजाद नहीं है, बल्कि ये उस उन किताबों और उन सहीफों में आने वाले हकायक की तस्दीक करने वाली किताब है। यानी आज ये ना देखो, मेयार तुम्हारा ये ना हो कि जो कुरान की आयत तौरात के मुताबिक है वो सही है, जो तौरात के मुताबिक नहीं है वो सही नहीं है। तुम ये देखो कि तौरात जो मौजूद है तुम्हारे हाथों में, उसकी जो आयत कुरान से मुताबिक है वो सही है, जो कुरान के मुताबिक नहीं है वो गलत है। ये तौरात हो या इंजील हो या जबूर हो या सुहूफ़े अंबिया में से कोई भी सहीफा हो, कोई भी सहीफा हो, जिन सहीफ़ों को हम जानते हैं वो, या जिन सहीफ़ों को हम बतौर सहीफा नहीं जानते वो, कुरान मजीद के मुताबिक होगा तो वो सही होगा, और कुरान मजीद से मुख्तलिफ होगा तो फिर वो मुनज़ल मिन अल्लाह नहीं होगा, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। अब ये इजमाली बहस मैंने अर्ज़ की है, जाहिर है कि इसी ज़िम्न में अगर 10 मजलिसें हों 20 मजलिसें हों, क्या एक साल तक यही उन्वान रहे कि कुरान मेयार बनाकर, और ये आप हजरात का, ये स्कॉलर्स का, स्टूडेंट्स का, अरबाब ज़ौख़ का, अहले ईमान का ये होमवर्क है। अगर आप हिब्रू जानते हैं, अगर आप आरामिक ज़बान जानते हैं, अगर आप इंजील और तौरात की ज़बान, हिब्रू का नुस्खा मौजूद है, तौरात का नुस्खा मौजूद है हिब्रू में, और उसके मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस, उन सब को आप लाएं और उसके बाद मुकाबला करें, मेहनत तो करें ना, सियासत ना करें मेहनत करें, सियासत ना करें मेहनत करें, इल्मी मेहनत, मुजाहदा करें, जिहाद करें अपने नफ्स के साथ, जिहाद करें अपने नफ्स के साथ। हाँ, मैंने कह दिया जिहाद करें, बहुत से लोगों को तो लफ्ज़ जिहाद ही अच्छा नहीं मालूम होता, अब इस पर किसी और दिन गुफ्तगू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो कुरान मजीद अज़ीम मौजज़ा है, और इसके मौजज़ा होने की एक शान ये है, देखिए ना, यहीं से बात फसाहत व बलागत से आगे बढ़ गई ना। कुरान मजीद ने कहा वमा काना हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ये कुरान खुदा के अलावा किसी और का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता। उसके बाद फौरन क्या कहा, वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैह, ये तस्दीक है उन तमाम चीज़ों की जो इसके सामने हैं, इसके सामने या इसके दरमियान जो कुछ खुद इसमें हैं और जो इससे पहले आ चुके हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहूफ़े अंबिया, उन सब की तस्दीक करने वाला है ये कुरान। तस्दीक और तकदीब, तस्हीह और तख्तिया, ये मसला लफ्ज़ की फसाहत से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये मानी की हकीकत से ताल्लुक़ रखता है। ये लफ्ज़ की फसाहत से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये मानी की हकीकत से ताल्लुक़ रखता है, माना की मंतकियत से ताल्लुक़ रखता है, माना की हिकमत से ताल्लुक़ रखता है। तो इसके मानी है कि एक शान मुअज्जज़ा होने की ये है, मुअज्जज़ा होने, कुरान के मुअज्जज़ा होने की ये शान है कि इस कुरान के सामने ले आओ तौरात को तो तौरात की आयतें खुद दो हिस्सों में बट के कहेंगी हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें लोगों ने बनाया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम की शान थी, बड़े से बड़े हब्र यहूदी आया, बड़े से बड़े अहबार आए, बहुत से बड़े यहूदी या नसारा आए, मगर रसूल के सामने आकर, अली के सामने आकर, हसन के आगे आकर सामने आकर, हुसैन के सामने आकर, कैफियत ये होती थी कि जब ये कहते थे जो मैं कहूँगा तस्दीक करोगे, लर्जा बरंदाम होकर कहते थे जरूर तस्दीक करूंगा, दरबार मामून में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद,
ये यहूदी है और वो नसरानी है और वो मजूसी है और वो न जाने साबई है और वो किस मजहब का है और वो किस मसलक का है, और इमाम तशरीफ फरमाए। जो कह दिया इमाम ने, किसी की मजाल न थी जो इमाम को झुटला सकता। तवज्जो रहे, यही शान मुश्तरक है दोनों में। कल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने सुनाई थी, अर्ज की थी आपके सामने उसूले काफी की, इमाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन्नल्लाह तबारक व तआला तहरना व असमना व जअलना शुहदा अला खल्क़े व हुज्जतहु फी अर्ज़े व जअला अल-क़ुरआन मअना व जअलना मअल क़ुरआन। कुरान को हमारे साथ करार दिया, हमें कुरान के साथ करार दिया। यही शान कुरान की है, कुरान के आगे तौरात आ जाए तो आयतें बिखर जाएंगी। अहले कुरान के सामने कोई यहूदी आ जाए, आ जाए कोई। कल भी यही शान थी, आज भी यही शान है। अखबारों में, सियासी अखबारों में कुरान और अहले कुरान के खिलाफ मजामीन लिखते रहना अलग बात है, और मैदान में, मुकाबिल में, मुहाजात में कुरान और अहले कुरान के आकर मुकाबला करना कुछ और बात है। न उस मुकाबले में कोई ठहरा था जो वाकई मैदान मुबाहला में हुआ था, न आज कोई ठहरा है, न कयाम कयामत तक कोई ठहर सकता है। क्या हुआ था मुबाहले में, क्या हुआ था मुबाहले में? कुरान मजीद की आयत आज भी मौजूद है। तौहीद और तसलीस का मुकाबला जब हुआ, गोया कहना चाहिए कि जब कुरान और तहरीफ शुदा इंजील का मुकाबला हुआ, क्या कहेंगे आप? तौहीद और तसलीस का मुकाबला था, कुरान और इंजील मुहर्रफ का मुकाबला था, इस्मत और खताकारी का मुकाबला था, हिदायत और जलालत का मुकाबला था, हिदायत और गुमराही का मुकाबला था, नबूवत और कुफ्र और शिर्क की तारीकी का मुकाबला था। किसी न किसी मंजिल में मुशरिक होने के बावजूद, काफिर होने के बावजूद, तहरीफ शुदा इंजील लेकर आने के बावजूद चला। इसे कहते हैं एजाज, इसे कहते हैं एजाज, मौजजा और किसे कहते हैं? तय करके आए थे हम उनकी नहीं मानेंगे, हम उन्हें शिकस्त देकर आएंगे, तय करके आए थे ना नजरान से। और जब पहुंचे मुनाजरे के बाद, मुबाहला तय पाया, सब आपके जहनों में है, बराबर सुनते रहते हैं, आखिरी क्या बात हुई? जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मैदान मुबाहला में, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा कौन आ रहा है और ये किसे अपने साथ लेके आ रहे हैं? ये सवाल कांटे का सवाल है, ये सवाल कांटे का सवाल है, किसे लेके आ रहे हैं अपने साथ? समझ आया? मालूम हुआ अगर किसी और को साथ लेके जाते तो तसलीस अपनी शिकस्त तस्लीम ना करती, अहले तसलीस अपनी शिकस्त तस्लीम ना करते। क्यों? तवज्जो है। अब यहां मानना पड़ेगा ना आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे करीब बुलाकर, और खुसूसी अपनी चादर से हिसार में लेकर, और लोगों के दरमियान ऐलान नहीं कर रहे हैं, मुबाहले में बाद में जाएंगे, घर के अंदर हैं, मुबाहले की तैयारी हो रही है, घर में हैं अपने, मुबाहले की तैयारी हो रही है, अली तुम आ जाओ, फातिमा तुम आ जाओ, मेरे बच्चे हसन तुम आ जाओ, बेटा हुसैन तुम आ जाओ, चादर का हिसार किया, और खिताब किससे है? इंसानों से नहीं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती,
परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत। क्या शान मुस्तफ़ा है, क्या शान अहले बैत मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा खुदा से कह रहे हैं परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, परवरदिगार तूने मुझे नबी बना के भेजा था, रसूल बना के भेजा था, खुल्क़ अज़ीम पे फ़ायज़ किया था, मासूम बना के भेजा था, परवरदिगार तूने तबलीग के लिए भेजा था, परवरदिगार तूने तालीम के लिए भेजा था, परवरदिगार तूने इंसानों की तरबियत के लिए भेजा था। देख मैंने कैसे तरबियत की है, ये है मेरी तरबियत का शाहकार। सलावात पढ़ दे मोहम्मद व आले ये है मेरी तरबियत का शाहकार। यानी गोया कह रहे परवरदिगार तूने मुझे एक कुरान दिया था लफ्जों में, देख मेरे मालिक मेरे कुरान तैयार कर दिए हैं, बोलते हुए कुरान, सांस लेते हुए कुरान, चलते हुए कुरान, तलवार चलाते हुए कुरान, खुतबा देते हुए कुरान, कलम से तहरीर करते हुए कुरान। मेरे रब, मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, हा उलाए अल्लाहुम्मा हा उलाए अहले बैत, ए परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत। परवरदिगार तौहीद और तस्लीस का मुकाबला है, मैं देख अहले तौहीद को लेके जा रहा हूँ। यानी इस मरहले में हुजूर किसी ऐसे शख्स को लेके नहीं जा सकते थे जिसकी जिंदगी की एक सांस भी आलम शिर्क में बसर हुई हो। अब अली के लिए कोई ये न कहे कब इस्लाम लाए। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले तौहीद और शिर्क का मुकाबला था, तौहीद और तस्लीस का मुकाबला था, कुरान और तहरीफ शुदा इंजील का मुकाबला था, कुरान और तहरीफ शुदा तौरात का मुकाबला था। तो हुआ क्या, आखिरी क्या हुआ फैसला, जब इनको लेकर गए, यहीं समझ में आ जाएगा ना उन्वान भी, हुसैन और कुरान, कुरान और हुसैन, मुकाबला है ना कुरान और तहरीफ शुदा किताबों का। किसे लेके जा रहे हैं, किसे लेके जा रहे हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और अजब शान है, जो बाज़ किताबों में बाज़ रिवायतें लिखी हैं वो बड़ी मोतबर रिवायतें, बाज़ रिवायतों में है कि हुसैन को गोद में लिए हुए थे और हसन को की उंगली पकड़े हुए थे और पुष्प पे जहरा थी और उनकी पुष्प पर अमीरुल मोमिनीन थे, ये बाज़ रिवायतों में। ये तफसीर मुझसे पहले भी लोग अर्ज़ कर चुके होंगे, शायद पहली बार मैं नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन तवज्जो दिलाने की बात है, तवज्जो रखने की बात है, और ये हसीन मंजर निगाहों में बसाए रखने की बात है, नज़रों में बसा रहे ये मंजर, जहन के आईने में तजल्ली बार रहे ये मंजर, दिल के ऐवान में अगर कोई मुरक्का आवेजा हो तो बस ये मुरक्का। और फरमाया आपने क्या मुरक्का है, आगे हुसैन है, सबसे आगे कौन है, जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब मिलेगा, तनजील कुरान में सबसे आगे मोहम्मद हैं, लेकिन कुरान के दिफा की जहां मंजिल है सबसे आगे हुसैन है, मोहम्मद के रहते हुए हुसैन आगे आगे हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कोई तीर चलेगा तो सबसे पहले किसे लगेगा, कोई पत्थर उठा के फेंकेगा तो किसे लगेगा सबसे पहले,
नबी पे तीर चलाएगा, लगेगा हुसैन के सीने पर। कोई निशाना बनाएगा मुस्तफ़ा को, लगेगा हुसैन को, आगे हुसैन है, मैदान मुबाहला में आगे हुसैन। बस अब वो जो असल मुमासलत है वो तो अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि आयत मुबाहला में क्या है, तरतीब यही है। फ़कुल तआलो नदउ अबना आना व अबना आकुम व निसा आना व निसा आकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल। सबसे पहले बेटों का तस्करा है, उसके बाद ख़वातीन का तस्करा है, उसके बाद नफ्स का तस्करा है। जिस तरतीब से अल्लाह ने आयत नाजिल की, उसी तरतीब से मुस्तफ़ा मैदान मुबाहला में उतर रहे हैं। अब ना आना, आगे आगे फर्जंद हैं हसन और हुसैन, उसके बाद पुश्त पर बीबी जहरा हैं। लोग कहते हैं जनाब इब्राहिम के लिए कुरान मजीद ने कहा है कि इब्राहिम तो तन्हा एक उम्मत थे, यहां निसा आना जमा का सेगा है, मगर ले गए हैं तन्हा फातिमा जहरा को। इसके मानी है कि फातिमा जहरा भी तन्हा एक उम्मत है, तन्हा एक उम्मत। और उसके बाद अनफोसना का तस्करा है, तो बाद में पुश्त पर अली। अजब तरतीब। अब नफ्स रसूल देखना हो तो रूह रसूल ना देखो, देखो जेलों में कौन आ रहा है, अली नफ्स रसूल। देखा कैसा मुरक्का सजाया है, कैसा मुरक्का सजाया है। वो कुरान के अल्फाज का एजाज है, ये मुस्तफ़ा के किरदार का एजाज है। बस गुफ्तगू तमाम करता हूँ। आज हमारी इस तरतीब के मुताबिक पांचवी मुहर्रम की मजलिस है। उमूमन पांचवी मुहर्रम तक हम असहाब का तस्किरा करते हैं। यूं तो किसी एक सहाबी के भी तस्किरे का हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन हुसैन के असहाब में हर सहाबी अपनी जगह बेनज़ीर था, मगर बाज़ असहाब की शान कुछ और थी। इन असहाब का तस्किरा भी जुड़ा हुआ है। क्यों? मुहर्रम में उमूमन तस्किरा होता है मसाइब का और असहाब का और अहले बैत का, लेकिन ये जो मौजू है इससे इस तरह मुनसजिम है। कुरान और हुसैन का मौजू है ना, हुसैन के साथ जो असहाब थे उनको इमाम हुसैन ने कौन सा लकब दिया था मालूम है? जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया है रोज़ आशूरा, उसमें अपने असहाब से कहा या उम्मत अल-कुरान, ए उम्मत कुरान। उम्मत कुरान ढूंढना हो तो कहीं और ना जाओ, करबला जाओ, और वो भी कहाँ, ज़ेरे परचम अबुल फजल अब्बास, ज़ेरे परचम हुसैनी तलाश करो। उम्मत कुरान, उम्मत कुरान, याद रखिएगा उम्मत कुरान। और जिस तरह आका इमाम हुसैन के असहाब व अंसार उम्मत कुरान है, वैसे ही आपके मातमियों को उम्मत कुरान का मिसदाक होना चाहिए। आपको, आप में से हर फर्द को उम्मत कुरानी का फ़र्द होना चाहिए। फ़र्ज़ है आप पर कुरान से दिफा, वाजिब है आपके ऊपर कुरान का इत्तिबा। कुरान अज़ीम तरीन नेमत है अल्लाह की जो इंसानों को दी गई है। और ये बात वही समझते हैं जिनके पास फहम व फिरासत हो, सच्ची फहम व फिरासत, ऐसी फहम, ऐसी सूझबूझ दीन की कि अवामुन्नास नहीं इमाम उन्हें फ़कीह कह के पुकार सके। इमाम अगर फ़कीह कह के पुकारे किसी को, तो उसकी दीनी मज़हबी कैसी फहम व फिरासत होगी। इमाम हुसैन ने, अब ज़ाहिर है कि तारीख खंगालेंगे आप तो तारीख में तो बहुत सी चीज़ें हैं और इख्तिलाफ़ रवायात है, लेकिन उन तमाम इख्तिलाफ़ रवायात को दूर करने के बाद जो चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह नकल की हैं उसमें बड़ी मानवियत है, बड़ी मानवियत है। इमाम अलैहिस्सलाम जब दूसरी मुहर्रम को करबला पहुंच गए
और उसके बाद दुश्मनों की आमद शुरू हो गई तो इमाम ने कुछ खतूत करबला से लिखे हैं। उसमें से एक ख़त वह है जो इमाम ने कूफे भेजा है अपने बचपन के दोस्त हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर को, लेकिन ये कह कर लिखा है इला रजुल फ़कीह, मर्द फ़कीह की तरफ, जो इस मर्द फ़कीह के महज़र में बैठकर फ़िक्ह इस्लामी का शऊर नहीं पैदा कर सकते, अधूरा शऊर लेके जाएंगे तो फ़कीह की विलायत भी समझ में नहीं आएगी। फ़कीह की विलायत तो तभी समझ में आएगी जब करबला की रोशनी में फ़िक्ही शऊर परवान चढ़ेगा। अब बस वक्त नहीं रह गया, दो तीन फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा, मैं मुकम्मल शहादत तो नहीं अर्ज़ कर सकूँगा, दो तीन फ़िक्रे अर्ज़ करूँगा, इंशाल्लाह आप हक़ गिरिया अदा करेंगे, आप पुरसा देंगे। हबीब का पुरसा किसे देंगे? ज़ाहिर है हबीब का पुरसा हबीब की जौजा को देंगे, हबीब का पुरसा हबीब के बेटे को देंगे, मगर मेरी बात सुनिए, हबीब का पुरसा ज़ैनब को भी दीजिएगा। अजरुकुम अलल्लाह। बस इशारात कर रहा हूँ, तफसील से मैं नहीं अर्ज़ कर सकता, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इमाम अलैहिस्सलाम का ख़त इधर से रवाना हुआ, कोई बहुत फ़ासला नहीं था करबला और कूफे में बहुत फ़ासला नहीं था, दिन के दिन ख़त पहुँच जाता था, चंद साथों में घोड़े से जो कासिद था वो पहुँच जाता था। उधर एक दोपहर का वाक़या बयान किया जाता है, लेकिन शायद अधूरा बयान किया जाता है। एक दोपहर की कैफियत ये थी कि हबीब, उनकी जौजा, उनका बेटा कासिम, ये लोग दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, दस्तरखान पे नेमतें चुनी हुई हैं, जौजा के चेहरे पे पहले से तफक्कुर है, जैसे जौजा को किसी चीज़ का इंतज़ार हो, जैसे जौजा को किसी चीज़ का इंतज़ार हो। हबीब ने जौजा का चेहरा देखा और कहा बिस्मिल्लाह। जौजा ने कहा हाँ बिस्मिल्लाह, और जौजा की ज़बान से एक जुमला निकला, मुझे ऐसा लगता है कोई कासिद आने वाला है। कहा तुम्हें कैसे मालूम कोई कासिद आने वाला है? कहाँ उन कासिद, किसके ख़त की तवक्को है? बीबी कहती है मुझे तो हुसैन इब्ने अली के ख़त की तवक्को। हुसैन इब्ने अली के ख़त की तवक्को? कहाँ, मैंने रात में ख्वाब देखा था, मेरे ख्वाब में बीबी फातिमा जहरा आई थी, मेरे ख्वाब में बीबी फातिमा जहरा तशरीफ लाई थी, और बीबी ने बस इतना कहा, ए मोमिना, अरे हबीब से कहो अपने महासिन पे खिजाब तो कर लें। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। का इस ख्वाब में बड़े पैगाम हैं। हबीब भी अब सरापा इंतज़ार, बीबी सरापा इंतज़ार, चंद लम्हे गुजरे होंगे कि कासिद ने दस्तक दी और कहा मैं हुसैन इब्ने अली का कासिद हूँ, करबला से आया हूँ। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। आप अक्सर सुनते रहते हैं, अब इसके बाद जो भी मजामीन है कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर उस वक्त किस तरीक़े से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कूफे की नाकाबंदी कर रखी थी, कोई इंसान इधर से उधर जा आ नहीं सकता था, हुदूद कूफा से निकल नहीं सकता था, हुदूद कूफा में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर ये कि वो हुकूमत वक्त की नज़र में आ जाता था। किस एहतमाम से, किस हिकमत से, किस फिरासत से हबीब ने अपने ग़ुलाम से कहा ये मेरा घोड़ा ले ले, और मज़ारे से गुज़रता हुआ, नखील से गुज़रता हुआ, नखलिस्तानों से गुज़रता हुआ, बाग़ों में से तुम उस सरहद पे चला जा जहाँ से करबला का रास्ता निकलता है, ताकि किसी को शुभा न हो। वो ग़ुलाम हबीब का घोड़ा लेकर चला और उस सरहद पे जा पहुँचा। इधर से हबीब तैयार होकर चले, हबीब को पहुँचने में चंद लम्हे ताखीर हो गई तो पूछते सुनते हैं कि वो घोड़े से उनका ग़ुलाम गुफ्तगू कर रहा कि अगर मेरे आका नहीं आए, अगर हबीब नहीं आए तो ये न समझना कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं करबला, मैं तुझ पर सवार होकर फर्जंद जहरा की नुसरत के लिए जाऊँ। हबीब ने गुलाम का ये जज्बा सुना
और गिरिया करना शुरू किया। पहुंच गए, कहा तूने शुभा कैसे किया कि मैं नहीं आऊँगा, अपने आका की नुसरत के लिए नहीं जाऊँगा। अच्छा जा, मैं तुझे खुदा की राह में आज़ाद करता हूँ। कहा बेशक आपने आज़ाद कर दिया, मगर मैं इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो आपकी ग़ुलामी में रहूँगा करबला तक जाने के लिए, मैं आका हुसैन की नुसरत के लिए मैं भी जाऊँगा। अज़ीज़ाने गिरामी, बस आखिरी फ़िक्रे अर्ज़ कर रहा हूँ, शहादत बयान करने का वक्त नहीं रह गया। आप सबके सुने हुए फ़िक्रे हैं, लेकिन जब भी ये फ़िक्रा लाखों करोड़ों ख़तीब दोहराते हैं, मगर इस फ़िक्रे की दिल सोजी, इस फ़िक्रे की गमंगेज़ी ख़त्म नहीं होती। हबीब करबला पहुँचे, हबीब करबला पहुँचे, इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ़ फरमा हैं, किसी घोड़े के आने की टापों की आवाज़ सुनाई दी। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ देखो कौन आ रहा है। इमाम के पास जनाब अब्बास तशरीफ़ लाए, हज़रत अली अकबर तशरीफ़ लाए, कूफे से हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए हैं। जैसे ही हबीब इब्ने मज़ाहिर तशरीफ़ लाए और ये ख़बर खैमे के अंदर पहुंची, एक मरतबा जनाब फिज़ा को जनाब ज़ैनब ने बुलाया है। जनाब ज़ैनब ने कहा फिज़ा जाके हबीब को मेरी तरफ से सलाम कह दो। इस एक सलाम ज़ैनब में क्या तासीर थी कि हबीब ने सर से अमामा उतारा, करबला की खाक उठा के सर पे डालना शुरू की। आज आले रसूल पर ये वक्त आ गया कि बिनते रसूल बिनते जहरा मुझे सलाम कहला रही। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। माबूद परवरदिगार, शहदाए करबला का वास्ता है, आज तक रूए ज़मीन पर तेरी राह में जितने शहीद होने वाले हैं उनके दरजात व मरातिब को बुलंद फरमा। परवरदिगार दुनिया की इस्तेमारी ताकतों के ज़ुल्म व जबर से अर्ज़ इराक़ पर, अर्ज़ अफ़ग़ानिस्तान पर, अर्ज़ फ़िलिस्तीन पर, कुद्स से लेकर और हरम मक्की तक, जहाँ जहाँ भी शहीद हो रहे हैं तेरे नाम पर कलिमा गो, उनके दरजात को कबूल फरमा, उन बुलंद फरमा, उनकी शहादतों को कबूल फरमा। इस्तिकबारी और इस्तेमारी ताकतों को पालने वाले अपने कहर व गज़ब से पामाल कर दे। परवरदिगार महबूद नूर क़ुरान को इस कायनात में फैला दे, तजल्ली क़ुरान से इस मामूरे अर्जी को मुनव्वर फरमा, जान क़ुरान को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा। परवरदिगार जो उलमाए आलाम, जो मराजे तकलीद, जो फ़ुकहा, जो खुतबा, जो ज़ाकिरीन अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन उस नूर क़ुरान को फैलाने में मशगूल हैं, जो मुंतज़रीन हज़रत हुज्जत हैं उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हमारे इस उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को हकीकतन उम्मत क़ुरान बना दे। परवरदिगार माबूद मराजे तकलीद का साया हमारे सरों पे बरकरार रख, आयतुल्लाह अल-उज़्मा सीस्तानी को अपनी ख़ास हिफ्ज़ अमान में रख, आयतुल्लाह अल-उज़्मा वली फ़कीह सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फ़रमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन। हबीब आ जाओ, अरे तुम्हारा दोस्त है तनख्वाह, तुम्हारा दोस्त है तनख्वाह, हबीब आ जाओ, ये खत में शागन हबीब आ जाओ। अरे शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम
तुम हाले मुसलिम बेकस सुनाओगे आकर, अरे रुकैया तक में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, अरे लगाओ इससे भी अंदाजे मेरी गुरबत के जहां पे इब्ने अली लिखना जब ये सुनती है कूफे से आ रहे हैं शकी तो पूछती है हमारा भी आएगा कोई, अरे दुआएं दे में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, दरे बतूल दोबारा जलाया जाएगा, तुम्हारे दोस्त पे खंजर चला शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। आखिरी बन मुलाजा फरमाइए, अरे ये खत नहीं इसे बहनों की आरज़ू समझो, अरे हमारे लफ्ज़ों को ज़ैनब की गुफ्तगू समझो, अरे बहन ये कहती है भैया हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, हबीब आ जाओ, हबीब आ जाओ। या जहरा, शहजादी आपके आंसू ये कबूल फरमाएं। आइए जनाब उम्मुल बनीन की बारगाह में एक पुरसा पेश करते हैं कि जब मेरी शाम वाली शहजादी शाम की कैद निभा कर करबला आई है वापस, तो जनाब अब्बास की कब्र पे जो शहजादी ने नोहा पढ़ा आकर, उसके दो तीन बन बतौर मसाइब आपके रोने वालों की नजर कर रहा हूं। आई जब करबो बला लौट के बिनते जहरा,
तो कब्र अब्बास पे ज़ैनब ने किया ये नौगा। सुनो, एक बहन ने जो शाम में गुजरने वाले मुसीबतें अपने भाई को सुनाई है, वो सुनो। अरे तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। अरे तेरी शहजादी यूं दर दर ना फिराई जाती, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। अरे कभी यसरब तो कभी सूए नजफ देखते थे, अरे कभी तेरे कट शानों की तरफ देखते थे। अरे शहने अकबर के कलेजे से निकाली बरछी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। अरे हो गई सानिये ज़हरा भी ज़ईफ़ा बास, अरे सांस लेती हूँ मगर मैं नहीं जिंदा बास। अरे तेरे टुकड़ों की कसम तेरी बहन तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। है प्यास में भी तुझे आवाज दिए जाते थे, अरे ज़ेर खंजर भी तेरा नाम लिए जाते थे। अरे गर्दने शाख पे जब शिमर चलाता था छुरी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। जो रोने आया है सुने। अरे मेरे हाथों को भी रस्सी से गया था बांधा। अजीब बयान किया होगा शहजादी ने, सुनो। अरे मेरे हाथों को भी रस्सी से गया था बांधा, अरे मैं भी हाथों का न ले पाई सहारा भैया। अरे जैसे तू जी से गिरा वैसे मैं नाके से गिरी, हाय जैसे तू जी से गिरा वैसे मैं नाके से गिरी, तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी।
अरे लड़खड़ाते, आखिरी बंद सुनो, लड़खड़ाते थे कभी पाँव तो गिर जाते थे, हो कहाँ मेरे जवारों के ये फरमान।